गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 29, प्रोड्यूसिंग प्लांट। प्रोड्यूसिंग प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधों का उत्पाद। ठीक है, किसी भी पर्सन, कोई भी जो व्यक्ति है वो अच्छे मतलब खा पी कर अच्छा रहे और अच्छे से स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स का यूज़ भी करते हैं। इसमें देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द वेल बींग ऑफ मैनकाइंड। जो नव आपके पौधे हैं उसके लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो और उसकी जो प्रोड्यूसिंग होती है उसका यूज़ इसलिए होता है कि जो मैनकाइंड है वो अच्छे से रह सकें, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि चाहे वो फूड प्रोड्यूसिंग हो चाहे ऑयल प्रोड्यूसिंग हो, सबका एक अपना यूज़ होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड अस फूड, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, खाना, कपड़ा और रहने के लिए छत। दे आल्सो प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल, ये हमें कच्चा माल भी प्रोवाइड करवाता है फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स, आपको प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट। फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे आपका हो गया सीरियल्स, हो गया वेजिटेबल्स, हो गया पल्सेस, हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये आपके क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी ये खाने वाले आपके पौधे हैं। सेकेंड क्या है आपका, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब जो जिस पौधे से हमें ऑयल मिलते हैं यानी तेल मिलता है वो कौन कौन से हैं, जैसे आपको कौन कौन सा तेल होता है, ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्पाइसी एंड कॉन्डिमेंट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो आपके मसाले होते हैं वो सब मसालों के लिए जो आपके पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका क्लोव हो गया, ब्लैक पेपर्स हो गया, कोरिएंडर्स हो गया और टर्मरिक, ये सब आपके क्या हैं, स्पाइसी एंड कॉन्डिमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। फाइबर्स में आपके क्या क्या है, जैसे कॉटन हो गया, कोकोनट है, जूट है, फिर बर्नार्ड है, ये सब आपके क्या हैं, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट। टिम्बर में टीक है, पाइन है, सेशम है, बम्बू है, ये सब आपके क्या है, टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट में। फिर नेक्स्ट क्या है, शुगर एंड रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। शुगर रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट में आपका क्या है, शुगर केन, बीट रूट, रबर रूट, ये सब आपकी क्या है, शुगर एंड रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मेडिकिनल, तो जैसे नीम हो गया और आपका एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गई, बेलडोना हो गया, ये सब आपके क्या है, मेडिकिनल प्लांट्स है। तो बेटा देखिए, ये चैप्टर में आपको क्या करना है, इस एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल में हर एक जगह पर आप 5 या 6 कितने हैं, 7 है ना, तो बीच में 7 पार्ट डिवाइड करने हैं। 7 पार्ट डिवाइड करके उसके ऊपर हेडिंग आपको डालना है, जैसे फूड हो गया, ऑयल हो गया, प्रोड्यूसिंग प्लांट हो गया, टिम्बर हो गया, ये हो गया, तो उसके अंदर आपको 4-4 नेम लिखने हैं। या तो आप सिंगल सर्कल बनाइए या आप कोई भी एक शेप बनाइए, चाहे ट्रायंगल शेप बनाइए, उसके 7 फिगर बनाइएगा, 7 ट्रायंगल बनाइएगा और 7 ट्रायंगल के अंदर आपको लिखना है और उसके जस्ट नीचे उसकी हेडिंग लिखनी है। कोई भी बच्चा ये चैप्टर इस तरीके नहीं लिखेगा। ओके, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।